देखिए आज विश्व पर्यटन दिवस है और पूरा विश्व आज पर्यटन के रूप के दिन के रूप में मना रहा है। आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि काशी पर्यटन में पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक कहीं डेवलप हुआ है तो काशी है। जो अभी जो पिछले दिनों एक आया था सर्वे, जिसमें कि 13 करोड़ लोग काशी में आए, उन्होंने काशी में आए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए। और इसका श्रेय केवल और केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने काशी के विकास में एक अद्भुत उन्होंने एक काम किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सब शहरों को जोड़ना हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, सफाई की व्यवस्था हो, कि जो भी एक पर्यटन के रूप में एक शहर की ज़रूरत है वो सब काशी में है और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने सजाने का काम किया है। देखिए अभी काशी में आप देखे होंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। पहले जो काशी था एक बहुत छोटे 83 वर्ग किलोमीटर में था और आज काशी का जो नगर निगम का जो एरिया है 183 वर्ग किलोमीटर हो गया। कई योजनाएं आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोडें चौड़ी हो रही हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कैंसर के क्षेत्र में, बनारस ही ऐसा शहर है जहाँ के 2-2 कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ की काशी में न हुआ हो और न विकास हुआ। और जो हम हिंदू हैं, हिंदू जो विचारधारा में विश्वास रखते हैं, हर हिंदू के मन में एक रहता है, भारतीय के मन में रहता है, तो हम एक बार काशी चलें और परिवार सहित बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। और ये काशी शहर है जहाँ की महात्मा बुद्ध भी आए और यहाँ पे 4-4 जैन धर्म के जो तीर्थकर थे वो काशी से ही उनका जन्म स्थान रहा है। तो इससे बड़ा शहर कहीं हो सकता है का? विश्व के सबसे पुराना शहर है, पौराणिक शहर है, धर्म और संस्कृति की नगरी है। आदि शंकराचार्य से लेकर बौद्ध से महात्मा बुद्ध से लेके जैन धर्म के 4-4 तीर्थकर काशी के थे, तो अब कल्पना करिए तो काशी क्या है। देखा जाए तो टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे हैं, बनारसी साड़ी और देखिए जो भी पर्यटक आते हैं उनके मन में केवल 2-3 बातें, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, संकट मोचन महाराज का दर्शन करते हैं, काल भैरव जी का दर्शन करते हैं, दुर्गा जी का दर्शन करते हैं, सारनाथ जाते हैं, गंगा आरती करते हैं, BHU जाते हैं और खरीदारी में वो चाहते हैं कि जरूर बनारसी साड़ी खरीदा जाए। जो हमारे यहाँ का मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में बनारसी साड़ी केवल काशी में बनती है। तो अब कल सोचिए तो काशी का कितना आर्थिक विकास हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतने रोजगार मिल रहे हैं, वो केवल एक आदमी के देना, हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री जी। 2014 के बाद से काफ़ी जो बनारस में काफ़ी टूरिज्म बढ़े हुए हैं, देखा जाए तो इंडिया के टूरिज्म जैसे गोवा है, आगरा है, तमाम स्थलों से काफ़ी आगे निकल गए। तो अब क्या लगता है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो इसमें भी और भी कुछ ऐसे कुछ कार हैं जो कमी हो रही है जिसको पूर्ण करने की इच्छा होती है? देखिए विकास तो लगातार चलने वाली एक निरंतर परम चीज़ होती है और हमें लगता है जो भी अभी चीज़ें बाकी है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। काशी स्टेशन देखिए वो नया बनवा रहे हैं, बनारस स्टेशन का देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ, प्रयागराज हमारा 4 लेन था 6 लेन हो गया। तो हर क्षेत्र में, तो कहा शहर में कितनी पतली सड़कें थी, 4-4 लेन शहर में हो गया। आशापुर से आप जब कचहरी से आशापुर देखेंगे वहाँ पर 4 लेन हो गया, कभी कोई कल्पना कर सकता था ऐसा हो सकता है? ट्रेड फैसिलिटी सेंटर आ गया। तो हमें लगता है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ विकास से अछूता हो। तो ये केवल हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है जिन्होंने काशी के बारे में सोचा है और काम कर रहा है। धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।